नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं बीके टिप्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, अगर आपका कोई छोटा मोटा भी बिजनेस है या फिर कुछ भी, या फिर आप गवर्नमेंट कर्मचारी है, तो आपको रिटर्न फाइल करना आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आप दुकान वालों के चक्कर लगाओगे तो वो आपसे काफी पैसे ले लेगा। और जब आप ये खुद कर सकते हैं अपने मोबाइल से घर बैठे, तो आप किसी को पैसा क्यों लेना चाहेंगे। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। आप आसानी से अपने मोबाइल से भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इसके लिए आपको अपना ब्राउजर ओपन करना होगा, कोई भी गूगल क्रोम खोल लीजिए, जैसे यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है गोल गोल, या फिर कोई भी खोल लीजिए जो आपके मोबाइल में उपलब्ध है। इसके बाद में एक साइट है, उसको खोलेंगे आप ई फाइलिंग के नाम से। इसके बाद में ई फाइलिंग पर ओपन करते ही यहाँ पर पहला जो पेज ओपन होगा उसको हम खोलेंगे लॉगिन इनकम टैक्स में। इसके बाद में हमको ऐसा पेज दिखाई देगा एक, इसमें आपसे दो चीज मांग रहा है, एक तो यूजर आईडी और एक पासवर्ड। अगर आपके पास आप पहली बार आए हैं, आपने कभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। और यदि आप पहले किसी दुकान वाले से भरवाते थे, किसी सीए से भरवाते थे, तो उसके लिए आपको फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पर ऑप्शन है, ये इस पर क्लिक करना है। और अगर आपने नेट बैंकिंग ले रखी है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप उसके द्वारा भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। इसमें नीचे ऑप्शन दे रखा है फाइलिंग थ्रू नेट बैंकिंग। तो अगर मैं पहले किसी सीएससी के द्वारा भरवाता था इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, तो उसके लिए मुझे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में ये जो यूजर आईडी है, इसमें आपका आधार कार्ड डालिए, पैन कार्ड डालिए। उसके बाद में ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है, ये इसमें एंटर कर देंगे अपन। उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में ऐसा पेज खुलेगा। इसमें आपको प्लीज सेलेक्ट द ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें आप यूजिंग ओटीपी पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें यूजिंग ओटीपी पर क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर न्यू ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे अपन, क्योंकि जो सीए भर रहा होगा पहले आपका, वो उसकी पर्सनल ईमेल आईडी डाल रखा होगा उसने, इसमें अपन न्यू ईमेल आईडी पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपकी जो ईमेल आईडी है पर्सनल, वो डाल दीजिएगा इसमें, आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। इसके बाद में आपकी जो बैंक अकाउंट नंबर है वो डाल दीजिएगा इसमें, और ये वैल डेट करके आप जैसे क्लिक करेंगे, तो आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो जाएगा और आपको नया पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलेगा। उसमें आप कोई भी अपना पासवर्ड डाल दीजिए अपने हिसाब से। उसके बाद में मेन पेज पर वापस आ जाइए। उसके बाद में हमको अपने पैन कार्ड नंबर से और पासवर्ड से लॉगिन करना है इसमें। उसके बाद में हम इसको ओपन करेंगे तो हमें ऐसा पेज ओपन होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू रिटर्न फॉर्म। हम फाइलिंग ऑफ रिटर्न इनकम टैक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपकी जो ईयर चल रही है सन, उसको सेलेक्ट करेंगे 17-18। उसके बाद में जो फॉर्म नेम है, उसमें हम आईटीआर फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। उसके बाद में सबमिशन मोड में ऑनलाइन सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ऑनलाइन वेरीफाई का ऑप्शन है, तो इसमें अपन आधार ओटीपी पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि यही सबसे आसान तरीका है अपने इनकम टैक्स को वेरीफाई करने का। उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको ऐसा पेज दिखाई देगा, इसमें पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको आपकी सारी डिटेल दिखाई दे जाएगी। उसके बाद में सबमिट सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अगर आपको कोई चेंजेस करना है इसमें, आप देख लीजिएगा इसमें एक बार, मैं अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्योंकि पर्सनल डिटेल है। इसके बाद में इनकम डिटेल पर क्लिक करेंगे सेव करके। इसमें आपकी जो इनकम डिटेल है वो इसमें सारी, जो आपके पास फॉर्म है 16 नंबर, उसमें जितने भी इसमें डिडक्शन आ रहे हैं, आप इसको इसमें एंटर करते जाइए। जितनी भी आपकी छूट है वो 80 सी में आएगी सेक्शन में। यहाँ पर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में सेल ऑफ ऑक्यूपाइड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो आपके 16 नंबर फॉर्म में लिखा हुआ, वो सेम इसमें एंटर करते जाएंगे अपन। इसके बाद में आप इसको मिलान कर लीजिएगा, आपको जो यहाँ पर जो टोटल आएगा, टोटल इनकम टैक्स, इसमें यहाँ पर मिलान कर लीजिए, आपको 16 नंबर फॉर्म से मिल रहा है नहीं मिल रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट कर दीजिएगा सेव करके सेव ड्राफ्ट में। इसके बाद में टैक्स डिटेल इसमें भरिएगा अपनी। इसमें भरना कुछ नहीं है, टैक्स डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाती है सारी की सारी। आप इसको एक बार मिलान कर लीजिए बस। उसके बाद में सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर कीजिएगा। उसके बाद में टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन यहाँ पर ऑप्शन है,
इस पर क्लिक कीजिएगा, इसमें मिला लीजिएगा। एक बार आपका जो 16 नंबर फॉरम है उसमें आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है वो इसमें है या नहीं। उसके बाद में यहाँ पर आपका जो बैंक है, अगर आपने बैंक ज़्यादा इनकम, उसके बाद में आपका बैंक अकाउंट नंबर इसमें, IFSC कोड और बैंक का नाम इसमें डाल दीजिए। उसके बाद में इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर 80G है, इस पर क्लिक कीजिए। इनको इन्हें कुछ ही मत छेड़खानी मत कीजिए, इनको छोड़ दीजिए बस। इसके बाद में आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका इनकम टैक्स फाइल हो जाएगा सक्सेसफुली। उसके बाद में आपको ये वेरीफाई करना होता है, ई वेरीफाई रिटर्न यहाँ पर ऑप्शन है माई अकाउंट में। इसमें अभी मैंने सबमिट नहीं किया इसलिए नहीं आ रहा है यहाँ पर। जैसे मैं इसको सबमिट करता है यहाँ पर दिखाई देने लग जाता है। उसके बाद में जो आधार कार्ड के मैसेज आता है, एक आधार कार्ड का उसमें कोड आता है, वो डालकर इसको वेरीफाई करना पड़ता है, तब जाके हमारा रिटर्न सक्सेसफुली वेरीफाई होता है, हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों कितना आसान है ई फाइलिंग रिटर्न फाइल करना इनकम टैक्स। ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए, अपने अनुभव कमेंट से शेयर कीजिए, और पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नहीं आए हो तो अभी इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।